सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको क्रिसमस ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिसमस ट्री का अर्थ क्या है और यह किसको दर्शाता है। क्रिसमस ट्री दर्शाता है अनंत काल के जीवन को। आप जानते होंगे कि ये पेड़ सदा बहार है, ये सर्दियों में भी और गर्मियों में भी इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता। आप इसे हर एक मौसम में इस वृक्ष को हम हरा भरा देख सकते हैं और इसके हरियाली ही ये बताती है कि ये सदा फलता रहता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे उस वृक्ष के समान फलते हैं जो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है। और अब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय वचन 3। उसमें इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है। धर्मी जन हमेशा बढ़ता है और कभी भी मुरझाता नहीं। इसी प्रकार क्रिसमस ट्री भी एक ऐसा पेड़ है जो कि कभी भी मुरझाता नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।